नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया हुआ है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लें। कनिष्ठा उंगली और बहुत ही शानदार कनिष्ठा उंगली, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत ही अच्छे स्तर की है और साथ ही साथ में अगर कहूँ तो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को भी बहुत अच्छी तरह से प्यार करता है। साथ ही साथ व्यक्ति की जीवन भर बहुत ही अच्छी अरदास रहने वाली है। ये इस प्रकार की उंगली यहाँ पर ईश्वर ने जो बनाई है ये अच्छी है। लोगों के प्रति बात को, लोगों की बात को जल्दी से समझना और साथ के साथ उत्तर देने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। अब बात कर लेता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और ये बीच का गैप, जब जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। यदि पैतृक संपत्ति हो तो उसमें जो है झगड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर दर्शाता हुआ ये वाला जो चिन्ह खाली जगह है। और अगर आपकी बात करूँ तो आपका सूर्य की उंगली बिल्कुल बलिष्ठ रूप से ऊपर तक खड़ी हुई है। आप आत्मा से बिल्कुल विशुद्ध रूप से साफ हैं। अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और शनि की उंगली जब इस प्रकार की टर्न लेकर के मुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, महादशा, अंतर्दशाएँ जब जब भी आएंगी तो व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अपने व्यापार से संबंधित, साथ ही साथ अपनी सुख सुविधाओं से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हम आपके एक और उंगली की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है अच्छे वैवाहिक सुख सुख जीवन के लिए, साथ ही साथ लग्जरियस जीवन के लिए और ईश्वर के प्रति आस्था के लिए। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी है, पत्नी के साथ थोड़े से वैचारिक में भी दर्शाती हुई उंगली है और कुल मिलाकर के जीवन की सुख सुविधाएँ आपके पास बनी रहेंगी। आइए बात कर लेते हैं आपके बुध पर की। यहाँ बुध पर और बुध पर यहाँ किसी भी प्रकार की, हाँ ये दूसरा आ गया, यहाँ पर बहुत सारी बुध पर रेखाएं हैं और उनसे एक तरह की झंझावत सी रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रेखाएं बन जाती हैं तो ऐसा आदमी रिसर्च के क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ मैं आपके एक सवाल का जवाब दे के चलूँगा। आपने पूछा है कि मेरा जो मैं इंटरेस्टेड इन रिसर्च डोमेन, तो यहाँ रिसर्च और डोमेन के अंदर आपका जो है आपका कार्य क्षेत्र यहाँ बनता है। डोमेन में, रिसर्च डोमेन में इंटरेस्टेड हैं आप तो उसके अंदर चले जाइए, आप उसको, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर ये रिसर्च की रेखाएं इस बुद्ध पर्वत के ऊपर खड़ी हुई हैं तो ये यहाँ पर इस बात को सिद्ध कर देती हैं। मैंने पूरा हाथ आपका पढ़ लिया है तो पहले ही मैं देख चुका हूँ कि वहाँ डिफेंस और स्पेस वाले क्षेत्र जो हैं वो आप उसके क्षेत्र के अंदर में जाइए, उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आपके सूर्य पर के बारे में। सूर्य पर और सूर्य पर जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी होती हैं और साथ के साथ बुध और शनि पर्वत से आकर रेखाएं काट देती हैं तो ऐसा व्यक्ति कहता है गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब को करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति कभी उनको पूरी तरीके से टारगेट बना करके अगर मेहनत करे तो गवर्नमेंट जॉब पाना उसके लिए बहुत आसान सा काम होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति उनको टारगेट करके करेगा कि नहीं करेगा, यही उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। वरना वो चाहे तो उसके लिए मिनटों का खेल होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो ऐसा व्यक्ति 6-8 महीने के अंदर निकाल के नौकरी प्राप्त कर ले। अब बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, यानी शनि पर्व। शनि पर्व भी यहाँ पर अनुकूल स्थितियों में और साथ ही साथ में गहरी रेखाओं के रूप में है, यानी व्यक्ति अपने धन को सही तरीके से संभाल पाएगा नहीं पाएगा ये दूसरी बात है। धन की स्थिति यहाँ इसके पास ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने धन के प्रति अभिमानी भी हो जाता है तो ये 55 वर्ष के बाद की स्थिति है। धन उस समय भी अंत समय तक आपके पास में बना रहने वाला है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कई कई छोटे से ब्रैकेट्स बन गए हैं जो ये बताते हैं कि जीवन के अंतर्गत आप अपने दिमाग से पैसा कमाएंगे, साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 तक भवन व्यक्ति बना सकता है और लग्जरियस जीवन तो अपने जीवन में, यानी वाहन तो जीवन में कितनी ही बार व्यक्ति तो बनेगा। यहाँ आपने पूछा है मुझसे कि मेरे इस पर यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह है, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे कहीं से कहीं तक भी मैंने देखा तो कोई काल्पनिक स्वास्तिक आपका बन गया होगा। तो काल्पनिक स्वास्तिक की जरूरत भी नहीं है आपको, जो ये चिन्ह बने हुए हैं ये स्वास्तिक से भी बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं। जो स्वास्तिक फल देता वो आपको सन्यासी बना देता, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके का नहीं है।
तो कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वास्तिक चिन्ह नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक रेखा, बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखा है। दो रेखा से तीन रेखा तक आपकी विवाह रेखा भी छोटी सी चमक रही है और यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक स्थिति का हृदय रेखा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर नित्य नए प्लान बनते रहते हैं। कुल मिलाकर के कहूँ तो ऐसा व्यक्ति अपने हृदय को स्वयं पीड़ित करता है, नई नई योजना बनाता है, इधर उधर भ्रमित होता है और खुद भी दुख पाता है, परिवार को भी दुख देता है। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह उसका देर से होता है और यदि विवाह हो भी जाता है तो पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा वैचारिक मतभेद वाला आपकी हृदय रेखा यहाँ पर दर्शाती है। तो बहुत ज़्यादा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से कुंडली मिलान करके विवाह करें, वरना आपका वैवाहिक जीवन बहुत जो है अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर हृदय रेखा इस प्रकार की है। अब मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। यहाँ मंगल पर्व और ये मंगल पर्व यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिल्कुल पूरी की पूरी संघर्ष वाली ये रेखाओं को दर्शाता हुआ आपका मंगल पर्व, यहाँ इस प्रकार की रेखाएं, ये मंगल पर्व पर जो रेखाएं निकल रही हैं बहुत ज़्यादा व्यक्ति को संघर्ष और साहस देती हैं ये रेखाएं। तो आपके पास साहस की कोई कमी नहीं है, आपके पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ऊपर इतनी सारी झंझावट रेखाएं व्यर्थ में ही आप अपने साहस को खराब कर दें ये भी दर्शाती हैं। बात कर लेता हूँ, देखिए अभी मुझे थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा से पढ़ने से पहले मुझको यहाँ तक आपकी आयु रेखा को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, एक मोटा सा सूत्र है कि आयु रेखा जब इतनी सारी कटी फटी रेखाओं के शुरुआत होती है तो ये जीवन का 28वां वर्ष है जहाँ पर ये आपका ब्रैकेट खत्म हो गया, यानी कि इससे भी और थोड़ा सा पहले तक आपने कहा सन 2000 से लेकर के 2014 तक मेरे जीवन में संघर्ष रहा है, तो बिल्कुल सत्य कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ बिल्कुल इतना संघर्ष रेखा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से उठ करके आपने संघर्ष करा है, ये आपके जीवन को आयु रेखा दिखाती है, यानी कि आयु के इस खंड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की, इसकी मस्तिष्क रेखा की। बुद्धि रेखा का उदय हुआ आपके जीवन के अंदर यहाँ 30वें वर्ष से, और 30वें वर्ष से जाकर के लोगों ने वैसे व्यक्ति को पहचाना, अरे यार ये भी कोई लड़का है। तो ये 30वें वर्ष में जाकर के यहाँ इस व्यक्ति ने अपनी पहचान कराई और उसके बाद भी मस्तिष्क रेखा जो है बहुत ज़्यादा, मुझे यहीं पर दर्शाना पड़ेगा कि आपकी मस्तिष्क रेखा को इतनी सारी रेखाओं ने यहाँ पर काटा हुआ है कि मैं उसको दर्शा ही नहीं सकता। देखिए यहाँ कितनी सारी रेखाएं, ये इतनी सारी रेखाएं, कभी व्यक्ति व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कभी व्यक्ति कहीं भ्रमित होगा, कभी व्यक्ति नौकरी में भ्रमित होगा, कभी नौकरी में ट्रांसफ़र करेगा, न जाने कितनी ज़्यादा मुसीबतों को लेकर के आपने अपनी मस्तिष्क रेखा को पीड़ित कर दिया है। आगे वाले जीवन को आप किस तरीके से सहन कर पाएंगे ये आपके लिए बहुत मुश्किल स्थितियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपके पास ये आकस्मिक रेखाएँ, खुशखबरी यह है ये आकस्मिक रेखाएँ कुछ पूजा पाठ से और कभी ईश्वर कृपा से, आप जैसे हमको सुन रहे हैं ऐसे लोगों से मिलकर के पता लग जाता है व्यक्ति को कि कमी जो है वो तेरे में है। तू सवाल पे सवाल करता है, जवाब पे जवाब करता है, रोज़ भ्रमित होता है। अगर वो अपने आप पर नियंत्रण करेगा तो ज़िंदगी में तरक्की प्राप्त कर जाएगा, वरना झंझावत में झुलत कर रह जाएगा और लोगों के प्रति मजाक बन जाएगा और मस्तिष्क रेखा का यानी कि डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो सावधान रहें इस बात से। आपने कहा 2009 से 14 तक जॉबलेस रहा, तो वो तो स्थिति आपके यहाँ दिखाई दे रही है कि आप निश्चित रहे होंगे। अब आप कहते हैं 2014 के बाद मैंने भी कहा कि आपकी स्थिति, आपके लोग आपको सामने लगे, तो फिर आपने एमटेक किया है उसके बाद में और गेट क्लियर कर एग्ज़ाम किया। अब आप कहते हैं नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब। आइए मैं भाग्य रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये आपकी भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके इस तरीके से, और ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ 35 वर्ष तक है। 35वें वर्ष तक भी आपकी रेखाओं को इसी तरीके से मस्तिष्क रेखा पर कटी फटी रेखाओं का संबंध, ये यहाँ से निकल करके शुक्र पर्व से एक रेखा निकल रही है, इसका संबंध जाकर के 35वें वर्ष की तरफ ये देख रही है। तो ये आप जो है ऐसा समझिए कि 35 वर्ष के बाद भी आपके यहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे और यहाँ भी आप भ्रमित होते रहेंगे, आगे भी
ये आकस्मिक रेखाएं हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगर ये सब हाथ की रेखाएं ये मिट जाएं, जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो आपके जीवन का एक अच्छा उदय होगा। तो आप स्वयं में भ्रमित हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या जॉब का ट्रैक चेंज करने से फ़ायदा? अरे भाई, जॉब का ट्रेड चेंज करने से फ़ायदा नहीं है। अपने दिमाग पर नियंत्रण करिए, वरना आप जीवन भर जॉब के ट्रेड ही चेंज करते रहेंगे। ऐसी आपकी मस्तिष्क रेखा इतने समय पर भ्रमित है। स्ट्रगल कैरियर कब तक? जब तक आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं, जब तक आपके अंदर कैरियर में, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो पाएंगे आप अपने आप से, ये रेखाएं आपको बताती हैं। चलिए, क्या अच्छा फ्रेंड सर्किल रहेगा? फ्रेंड सर्किल तो आपका अच्छा है, आप ही अच्छे नहीं हैं। जब आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा ध्वस्त है, इतनी ज़्यादा भ्रमित है, तो आप अपने दोस्तों पर भी भ्रम करने लग जाएंगे कि ये मेरे दोस्त ही ठीक नहीं है, वही अनुकूल नहीं है। अरे तो दोस्त आपके बिल्कुल ठीक हैं, आप स्वयं ही ठीक नहीं हो। तो अपने आप को ठीक करें। विदेश यात्रा या विदेश पार, देखिए मैंने एक रेखा खींची थी आपके यहाँ से नीचे से निकल करके अंदर शुक्र पर्व से जा करके। निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि आप विदेश यात्रा नहीं, विदेश में वास भी करेंगे और विदेश से धन भी कमाएंगे। तो आप ऐसे चांसों का इंतजार कीजिए, जैसे आपको ये मौका मिले तुरंत आप विदेश से जुड़ जाइए। आपको विदेश से ही धन भी मिलने वाला है, और यात्रा तो खैर मामूली सी बात है, वो तो आप जीवन में कितने ही करते रहेंगे। अब आई आपकी मैरिज लाइफ की बात। आपने कहा मेरी मैरिज कब होगी? 2020 से लेकर 2022 तक के बीच में आपके विवाह का काफ़ी योग है। तो यहाँ 2020 से 22 के बीच में आपके विवाह का योग है, उस समय पर आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। मैरिड लाइफ आपकी ख़राब रहने वाली है। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि कुंडली मिलान किसी सर्वोच्च पंडित से करा करके आप बिल्कुल यहाँ पर करिए। आप कहते हैं मेरे बुध पर्वत पर ओम है। मैंने आपके बुध पर्वत को भी पहले ही पढ़ लिया था, वहाँ भी कहीं पर मुझको कोई भी ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आया जिसको मैं ओम कह सकूँ। बस रिसर्च का नज़र आया, मैंने आपको पहले ही बता भी दिया। तो चलिए, मैरिज के लिए मैंने आपको बता दिया। आपने कहा फाइनेंस स्थिति कैसी है? फाइनेंस स्थिति का जहाँ तक सवाल है, बस ईश्वर करे आप भ्रमित ना हो, बाकी तो फाइनेंस स्थिति आपके लिए ठीक ही रहने वाली है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो यहाँ पर जहाँ आपकी भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ पर आपके एक दीप बना हुआ है। जब ये दीप यहाँ पर बना होता है भाग्य रेखा के सामने और हृदय रेखा पर, तो ऐसा व्यक्ति चरित्र से भ्रमित होकर के बदनामी का सामना भी करता है। तो ऐसी स्थिति को भी जरा ध्यान में रखिएगा, बदनामी से आपको बचना है। तो चलिए, आपने कहा मूड स्विंग प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो आपके हाथ के अंदर रेखा ही है। फाइनेंस फ्यूचर के बारे में पूछा है आपने, तो देखिए भाई साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं लगातार कहता जा रहा हूँ शुरू से लेकर के आखिर तक, आपके हाथ में फाइनेंस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल और केवल आपके अपने दिमाग की। तो कुल मिलाकर जब अंक देने की बात यदि आती है, मैं उन आकस्मिक रेखाओं को यदि हाथ से हटा दूं, तो मैं इस हाथ को 10 में से 7 अंक दूंगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति के हिसाब से वो जो हाथ में हल्की हल्की दिखा दीजिए, कितनी सारी हल्की वो रेखाएं काट रही हैं, उन रेखाओं के कारण ये इतनी सारी जो रेखाएं हैं यहाँ पर हैं भ्रमित कर रही हैं। ये आकस्मिक रेखाएं जब तक आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं, आपके जीवन के अंदर जो जो परेशानियाँ आने वाली हैं मैंने बता दिया। कुल धन की स्थिति की जहाँ तक सवाल है, धन आता रहेगा जाता रहेगा, आपकी आकस्मिक रेखाएं जब मिटेंगी, जब आप करोड़ों रुपए में पहुँचेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन विवाह हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखी हो, आप काम में लगातार तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, ये सब चीज़ चाहते हैं आप, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक बेहतरीन सा आपको यहाँ पुखराज पहनना होगा। इस उंगली के अंदर आपको श्रीलंकन बेहतरीन पुखराज पहनना होगा। यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक आपको पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा के अंदर एक माला का जाप करें, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। आपको इस माला का जाप करना पड़ेगा, और हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम की रोजाना नित्य पूजा करें। हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, इनकी पूजा करें, बस आपके जीवन के अंदर सुख सुविधा बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।